थीटा अपॉन व्हाट 2z, इट इज नाउ z प्लस a, सो इट इज अगेन u स्क्वायर अपॉन 2z प्लस a, दिस विल बी द आंसर. इज इट क्लियर बेटे? एनी डाउट? ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम वेरी टिपिकल क्वेश्चन. जो मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन एंड इट इज फ्रॉम एस सी वर्मा बुक. इसको अच्छे क्वेश्चन में से माना जाता है, आप ध्यान रखिएगा. और यहां पे मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं, z इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. इन टर्म्स ऑफ फीट पर सेकेंड इट इज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. आप अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपका आईआईटी मेंस में तो जरूर हो जाएगा. बट इट डजंट मीन कि दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है. ये क्वेश्चन इजी है, बट ये आपको प्रूफ देगा कि कैन यू अप्लाई द थिंग्स व्हाट यू हैव स्टडीड. गारंटी है अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपका एम ये मेंस में हो जाएगा. क्योंकि ये प्रूफ करेगा कि हाउ फोकस्ड यू आर एंड हाउ यू कैन अप्लाई द थिंग्स. Anyone can dare? Anyone can dare to solve? 70 feet. Very good. Who is this? Who is this? Who is this? Name Sir, please. Very good. Neha. Very good. Neha. और किसी ने किया था? ट्वेंटी पॉइंट थ्री फोर. ये कहां से आ गया 20.34 कहां से आ गया? मैंने तो जी का वैल्यू एकदम 32 दिया. व्हाट्स योर नेम? हर्षिता. See the solution. Lift is going down. We
with an acceleration a. Let's say that acceleration is a. And the downward acceleration is z already known, that is z. Okay. A coin is dropped from this height with initial velocity 0, and this height is 6 feet. Now we have to generate the case, means relative distance between coin and lift or floor. केशव शर्मा जी कैसे हैं? फाइन। आपके पापा का नाम क्या है? क्या लगता है? मार दे मार दे कोई। ठीक है मार मार मार। दे। आप लोग भी ध्यान रखा कीजिए, माइक तभी ऑन कीजिए, या फिर आप लोग अकेले में पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। केशव आर यू लिस्निंग मी? केशव बेटे आर यू लिस्निंग मी? केशव आर यू लिस्निंग मी? ओके बेटे, माइक तभी ऑन किया करो जबकि, और अकेले बैठना चाहिए बेटे पढ़ने में, पढ़ने के लिए कम से कम सेपरेट जगह पढ़ने के लिए तो होनी चाहिए। यहां पे बच्चे शोर ना करें। और आपके घर में कोई टीचर है क्या? ये सब बेटे आपके घर में कोई टीचर है क्या? ये आवाज कहां से आ रही थी? अच्छा, आपके कोई ब्रदर और सिस्टर पढ़ रहे थे क्या? ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए, आई एम जस्ट कमिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो जस्ट वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन कॉइन एंड द फ्लोर, दैट इज गिवन एंड दैट इज 6 फीट। Relative velocity, initial velocity of coin with respect to floor is 0. And acceleration of coin with respect to floor is what? Z minus A. Because both are in the same direction. Now just we have to apply the formula. S equal to ut plus half a t square. Since we are using the relative situation, so we must have to use all the things relative. S is 6 feet, u is 0, plus a half into a is z minus a, and time is given, that is 1 second. Okay, you can solve it. 6 is equal to half of z minus a, then it becomes 12 is equal to z minus a. Now a is equal to z minus 12, and that is 20 feet per second square. In meter per second, it is 9.8
meter per second. Generally, we use 10 meter per second square. But in feet per second, it is. आया था बेटे हर्षिता, योर आंसर इज 20.34. ये आंसर तब आएगा बेटे जब आप एक्सेलरेशन को 10 यूज करोगे. एक्सेलरेशन को पहले आप मीटर पर सेकंड में निकालोगे, फिर आप फीट और मीटर का रिलेशन यूज करके इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा. ओके, बट हियर वी हैव टेकन 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज वी हैव कन्वर्टेड 9.8 इनटू 10, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 32 पॉइंट समथिंग. इट इज 30, yeah, exactly, its value is 32 point something, but I have taken only 32, so its answer is 20 feet per second square. Is it clear, bete? Is it clear? Anyone can tell me? Yes, sir. Good. तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जानते हो तो. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो. अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. पहले तो आप ये बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी छोटा चैप्टर नहीं है. रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कम से कम 10 to 15 लेक्चर्स चाहिए इसके लिए. मैं आपसे एक चीज, छोटी सी चीज जानना चाहता हूं. एक कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. लेट्स सी, अ बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इट्स वेलोसिटी इज वी ए एंड इट्स वेलोसिटी इज वी बी. There may be the acceleration, but simply I am taking the uniform velocity in the first case. See, if we match these two, अगर मैं इस दोनों लाइन को ज्वाइन कर, दोनों बॉल को ज्वाइन कर दूं, A and B को, this is A and this is B, then we can say this ball is moving in this direction with zero velocity. Its velocity in this direction is zero, and it is making an angle theta with this. So in this direction, its velocity is vb sine theta. Means velocity of approach is 0 plus vb sin theta. Have you got the point? एक दूसरे के तरफ कितनी वेलोसिटी से बढ़ रहा है? इज इट क्लियर बेटे? यस सर. ओके, तो क्या इस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं? ये एनसीईआरटी में नहीं है. अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, दो पीरियड लगेगा. कैन वी डील? यस सर. गुड, तो हम दो पीरियड और लेके रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा सा और एलेबरेट कर लेंगे, जिससे कि मेंस में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, ये जरूरी नहीं है कि हर साल पूछा जाएगा, लेकिन कई बार पूछा जाता है. तो हम कल पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. कल मींस मंडे को, ऑन मंडे. क्या संडे को क्लास लगाएं? नो सर.
नो सर। गुड ओके। तो मंडे और ट्यूसडे को हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा और उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ शुरू करेंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके ओके बाय। टुडेज टाइम इज गोइंग टू आवर सो यू कैन लीव द क्लास। बाय।